मेरे पति खाना बना रहा है, तो बताओ पति जी मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसने बोला आज किचन में मैं मोर्चा संभाल लेता हूँ, डोंट वरी। तो क्या कर रहे हो? मैं चिकन बना रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट डिश है, जो मैं एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था बनाने में, काफ़ी दिनों से बनाए नहीं, तो ट्राई करता हूँ। इसकी जैसा टेस्टी तो होगा नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरा भी बुरा नहीं होता है। नहीं नहीं, बहुत टेस्टी है, मैंने पहले भी खाया है। अच्छा, पहले भी बनाया था ना। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, और दाल में भी एक्सपर्ट हूँ। आज टाइम नहीं है तो दाल नहीं बनाएंगे, तो चिकन से ही काम चला लेंगे। अच्छा, तो बताऊँ कैसे क्या है? हाँ बताओ क्या कर रहे हो। तो अभी मैं प्याज काट रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने चिकन पे थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, ये अभी मैं थोड़ा सा मैश करूँगा, ठीक है, मतलब इसको मैं मिला लूँगा। मैरिनेट करोगे? मैरिनेट करूँगा, सॉरी। और ये मैं इसमें चिली भी डालूंगा, अभी काटा नहीं है, ठीक है, ग्रीन चिली। ग्रीन चिली, हाँ। अच्छा, इसमें मैरिनेट में तुमने क्या क्या दिया है? आपने, सॉरी आपने, इसमें मैंने अभी चिली का थोड़ा सा वो फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स नहीं, वो क्या बोलेगा उसको, चिली पाउडर। चिली पाउडर, देन थोड़ा सा जीरा, धनिया पाउडर, एंड जो भी तुम्हारे वहाँ पे पाउडर था सारा, हल्दी, नमक, नमक भी डाला है, ताकि थोड़ा देर रखा है, सो देट कि इसके अंदर जाए और वो सॉल्ट इसके अंदर जाए, बेसिक पर्पज वो है, और ये इसका स्मेल भी अंदर जाए। अच्छा, और जिंजर गार्लिक पेस्ट कब दोगे फिर? वो मैं बाद में थोड़ी देर रखना चाहिए, सो तक कि सारा फ्लेवर इसके अंदर आए, प्याज का, प्याज और मिर्ची और जो भी यहाँ पे मैंने डाला है पाउडर्स जो था, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कम से कम 3-4 मिनट, जब तक अलग अलग काम करते रहो तब इसका मैरिनेट होते दो, रखो नहीं की, सो दैट कि इसके अंदर थोड़ा सा स्मेल स्मेल जाए, ठीक है। अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है ऐसे। अच्छा ठीक है, वो तो हम खा के बताएंगे ना, आप पहले से क्यों बता रहे हो? बहुत टेस्टी होता है, मैंने बनाया था, अभी भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा सारा कुछ यादें ताज़ा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बीच बीच में बनाया करो ताकि याद आता, यादें, दूर दूर से लोग आते थे खाने के लिए ये चिकन। चिकन यहाँ पर तो देखो कभी कभी ऐसे ही तुम्हारा साइट प्रोफाइल ही आता आ रहा है बस। कौन कहता है? ये हो गया, अभी थोड़ा सा होल्ड करो। अच्छा, ऐसे कैमरे पे से मार दो ना, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं, ऐसे ऐसे मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट, not 15, 10 मिनट, not 5 मिनट। ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप, तो मैंने कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा दिया है, ठीक है, अभी मैं तेल डालूंगा स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार जितना जरूरत है, जितना जरूरत है, कम प्रेफर करते हैं तेल डालना, बट उसको कवर भी करना है प्याज और उससे ना, थोड़ा और सही होगा। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देना चाहिए। हाँ, इसके बाद, अच्छा, वाह वाह वाह, ये करना मुझे पसंद है, पसंद है। इसके बाद में ये कुछ तेजपत्ता, इलायची कुछ डाला हुआ है, ठीक है, खड़े मसाले, खड़े मसाले, और ये जीरा कुछ है जो मैं डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये किसने निकाल के दिया? सच बताना, तुम ब्लॉगर हो ना? अरे हाथ में पहले क्या थोड़ा सा ऐसे करना, ठीक है, अच्छा, हाथ तो हटाओ, उस हाथ से दो ताकि मुझे, मैं शूट कर पाऊँ। इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी चीज़ है, ये है उड़न, ठीक है। इसमें टच करने से मज़ा आता है, मैं इसी के चक्कर में कुछ हाथ से करो ताकि मैं थोड़ा सा वीडियो ले पाऊँ। सो ये क्या कर ले देंगे उसको थोड़ा सा? ओके, इसको देखो, ये जो कलर है ना, ये कलर आधा पका हुआ हो जाए, कलर चेंज होना चाहिए खड़े मसाले का। तो मुझे लगता है शायद हमें प्याज, और अभी हम डालेंगे छिला हुआ प्याज, कटा हुआ प्याज, ग्रीन चिली, पानी भी डाल दिया तुमने, काफी पानी डाल दिया अभी भी तुम जा सकते हो, मैं बना सकती हूँ।
अच्छा अच्छा इसको कब तक तलना है? अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तब इसको इसके ऊपर हम चिकन डालें। हल्का ब्राउन कलर, हल्का ब्राउन कलर जो भी कलर होता है कलर हो जाएगा, हम दिखा देंगे ना। अभी तक हुआ नहीं फ्राई, और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। ठीक है फिर मिलते हैं फ्राई होने के बाद। 2000 years later. क्या हो गया? जला दिया। जला हुआ क्या? दिखा अपना शक्ल, दिखा। और तुम्हारी चक्कर में जल गया। कैसे? कि तुमने इसका हिट ज्यादा कर दिया था। अच्छा? अभी क्या कर रहे हो? उसी में ना? अभी इसके ऊपर हम ये डालेंगे। देखो इसमें जलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कच्चा प्याज इसके अंदर है। ये बोलता है स्मार्ट कुकिंग। लोग सिर्फ तुम्हारा साइड प्रोफाइल ही देख रहा है कब से, अपना शक्ल भी कम से खाने में ध्यान दो। तो अभी ना थोड़ी देर ऐसे रहने देना है और अभी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि बाकी पाउडर तुमने पहले डाला है, अभी थोड़ा क्वांटिटी करके डालेंगे। तुम थोड़ा हेल्प कर दो मुझे वो निकाल दो गार्लिक भुंजा पेस्ट, स्लाइटली चिली पाउडर कम कम करके, हाँ जीरा पाउडर कम क्वांटिटी में वो निकाला। मुझे तो लगता है कि प्याज में ही तुम्हें अदरक लहसुन डालना चाहिए था क्योंकि उसका स्मेल होता है। उसको छोड़ो, मेरे तरीके से करो, जाओ मुझे दे दो। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मेरी तरफ से जा रहा है काली जिंजर पेस्ट। कितना चम्मच? जल्दी एक चम्मच हिसाब कर लेना आप लोग। इसमें तकरीबन 2 चम्मच होगा। हाथ तो हटाओ, शूट करने तो दो कम से कम। ये इम्पोर्टेंट है, खाना इम्पोर्टेंट है, शूट तो होता जाएगा। अभी इसको ऐसे थोड़ा सा मैश करके, मिक्स करके सॉरी, अभी हमें रख के थोड़ी देर हवा खाने जाना है। देखेंगे हम आके, थोड़ा सा पानी यहाँ से रिलीज हुआ है, ठीक है। अगर कम रिलीज हुआ है तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बाकी अपना ऑडियंस को पता ही है कैसे बनाते हैं, खाने में कैसा लगता है। हो गया, अब इसको हम ढक देते हैं, ठीक है। कितने मिनट के लिए? ये अभी फिलहाल 5-10 मिनट बना के देखना है क्या हालत है। okay. ऐसा ना हो प्रिसीज हो जाए। अपना शक्ल तो दिखाओ। देखो अभी ये चिकन से ही पानी आया, हमने अलग से पानी नहीं डाला, जो मैं बोल रहा था ना कितना पानी रिलीज हो गया, ठीक है। अभी इसको ही हम पकने देंगे और 10 मिनट, इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के बस रेडी हो जाएगा अपना खाना। okay. अभी मोस्टली ये डन ही है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग वाटर डालेंगे सो दैट कि ये पूरा का पूरा पक जाए। ये बाउल मैंने वही बाउल यूज़ किया है जिसमें हमने मैरिनेट किया था, तो कोई वेस्टेज नहीं है मसाला के। इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे 10-15 मिनट, देन चिकन रेडी। मैं ढक देता हूँ। चलो 15 मिनट बाद ये देखो तैयार हो गया। इसका कलर देखो कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत टेस्टी होगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है क्या हो, लग ही रहा है, ट्राई करके देखते हैं। खाने में मिलते, देखने में तो बस तेल ही लग रहा है लेकिन खाने में तो यम्मी होगा, मुझे भी लगता है। चावल के साथ खाएंगे। ऑन कर
How's it? दुनिया की बेस्ट चिकन है. Of course. क्या है? बताओ कैसा है? ना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया. मैं इसका मतलब मैं बनाती हूँ टेस्टी नहीं होता है. बेटर है. ओके ठीक है. तो है ही था आज का ब्लॉग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.